सवाल मेरा आपसे ये है कि जाहिर अब आपकी शादी हो रही है और शादी में एक आदत सरबाला भी बनता है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में से अगर किसी एक को सरबाला बनाना चाहे भाई शादाब, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी शादी पे सरवाला बने क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, वो अभी 22 साल का हुआ है तो उसको बनाते हैं। ठीक है जी, लेकिन उसको जितने भी वो पैसे वगैरह मिलेंगे ना मैं वो खुद ही रखूंगा। चलो ये भी ठीक है, पहले से आपने बता दी है। साथ घोड़ी पर अगर किसी को बिठाना पड़े, घोड़ी पे हाँ। मम्मी दुल्हन पे बिठाऊंगा ना। नहीं अभी आप बारात लेने जा रहे हैं तो साथ किसको लेकर जाएंगे, एनी बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम द टीम? किसको लेकर जाऊंगा, मैं फहीम को बिठा लूंगा। शदाब को बिठाना जरूरी है कि नहीं? मैं शदाब को छोड़ देना, शदाब को वाला एक सीट मिल गई है, वो तो मिल गई। फहीम को बिठा लूंगा। वो क्यों फहीम क्यों? वो मेरा वो भी बेस्ट फ्रेंड है ना। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर फखर जमान को बिठा लूंगा। अच्छा फखर को क्यों? वो भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा इसे भी रीजन है। ठीक है, और इंडियन क्रिकेट टीम में से किसको बिठाएंगे? इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा को मेरा कोई खास फ्रेंड नहीं है क्योंकि हमारे बहुत कम मैचेस हुए हैं तो इस तरह, लेकिन यह कि शिखर धवन के साथ थोड़ी थोड़ी मेरी बन रही है तो इनवाइट तो मैं पूरी टीम को करना चाहूँगा कि वो आना चाहे क्योंकि वो भी क्रिकेट हमारे फैलो हैं, वो हमारे क्रिकेट फैलो हैं तो इनवाइट करना चाहूँगा अगर वो आना चाहें तो वेलकम।